नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल पहुंचने के लिए रेलवे नई दिल्ली के निजामुद्दीन से सीधी रेल सेवा शुरू करने जा रहा है और इसका ग्वालियर में भी स्टॉप रखा गया है। निश्चित रूप से अंबिकापुर क्षेत्र जाने वाले यात्रियों को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी ट्रेन सेवा के बारे में चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आप इस नक्शे में देख पा रहे हैं, इस रेल सेवा के शुरू होने से अंबिकापुर सीधे नई दिल्ली से जुड़ जाएगा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में भी रखा गया है, तो ग्वालियर अंचल के यात्रियों को भी अंबिकापुर तक जाने के लिए काफ़ी आसानी होने वाली है। इस ट्रेन सेवा से सीजी के सरगुजा अंचल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसकी मांग पिछले 15 साल से की जा रही थी। अंबिकापुर से नई दिल्ली तक सीधी रेल सेवा के लिए सरगुजा की सांसद एवं केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह काफ़ी समय से प्रयासरत थीं। स्थानीय रेलवे संघर्ष समिति और भी कई संगठन इस मामले में पिछले 15 वर्षों से इस ट्रेन सेवा के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मांग करते आ रहे थे। अब जाकर रेलवे ने इस मांग को गंभीरता से लिया और इसको पूरा करने के लिए ये ट्रेन सेवा शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोस्तों, अभी तक स्थानीय लोगों को दिल्ली की ट्रेन पकड़ने के लिए 95 किलोमीटर दूर झारखंड के गढ़वा जाना पड़ता था या फिर अनूपपुर आकर ट्रेन बदलनी होती थी। अब इस सीधी रेल सेवा के शुरू होने से इन सब झंझटों से उन्हें निजात मिल जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी और एक फेरा लगाएगी। इसकी नियमित सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके बारे में जानकारी हम आपको अलग से दूसरे वीडियो में देंगे। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को इस ट्रेन की उद्घाटन यात्रा प्रारंभ की जाएगी। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से सुबह 9:30 बजे इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन बिजूरी 11:50 पर पहुंचेगी, अनूपपुर 12:35 पर, शहडोल दोपहर 13:15 यानी 1:15 पर पहुंचेगी। इसके बाद कटनी मुड़वारा शाम को 4:00 बजे, सागर शाम को 6:30 बजे और झांसी रात को 21:25 यानी रात को 9:30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन ग्वालियर रात को 10:30 पर आएगी, 12:25 पर आगरा, 1:10 पर मथुरा होते हुए सुबह 4:35 पर निजामुद्दीन पहुंचेगी। अभी इसे ट्रेन ऑन डिमांड यानी TOD के रूप में स्पेशल ट्रेन के रूप में 00864 नंबर के साथ चलाया जाएगा। इस ट्रेन में फ़िलहाल 19 कोच होंगे और इसके लिए छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रैक का उपयोग किया जाएगा, जो LHB होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर मंडल के द्वारा इसका संचालन इलेक्ट्रिक लोको के साथ किया जाएगा। दोस्तों, रेलवे के इस निर्णय के बारे में आपका क्या विचार है? यह रेल सेवा हमारे लिए कितनी उपयोगी होने जा रही है, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपकी सेवा में जल्द ही फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।